रेलवे ने दिया यात्रियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी, वेटिंग लिस्ट वालों को लिए बहुत ही बड़ा तोहफा। ट्रेन में दोस्तों चार्ट बनने के बाद भी आप सभी को मिलेगी कंफर्म सीट। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपका वेटिंग टिकट है और आपको चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपका सीट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से फिर से चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आप बुकिंग कर कर कंफर्म सीट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों बता दें, ट्रेन में चार्ट बनने के बाद कंफर्म सीट मिल सकती है, ऐसी करनी होगी बुकिंग। आमतौर पर दोस्तों लोगों के बीच में ये आपको बता दें पहले के नियम के हिसाब से, तो आपको बता दें चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कंफर्म सीट बुक करने या कंफर्म सीट पाना आमतौर पर ख़त्म हो जाता है सीधे तरीके से। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर टीटी पास जाना पड़ता था और वो दोस्तों देख कर आपको देते थे, या दोस्तों जैसा कि अभी फ़िलहाल हैंड हैंड टर्मिनल, यहाँ पे हैंड हेल्ड टर्मिनल से आप सभी को यहाँ पे सीट मिल रही है। अभी दोस्तों बता दी हैंड हैंड टर्मिनल में HHD डिवाइस को जो है अभी फाइनली प्रीमियम ट्रेनों में ही है, उस सभी ट्रेनों में नहीं है। लेकिन दोस्तों बता दें IRCTC की तरफ से भी आप एक यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहला चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आप सभी को एक और मौका मिलेगा ट्रेन में सीट बुक करने का। आपको बता दें दोस्तों जो भी यहाँ पे खाली बची सीट है, दोस्तों ट्रेन के डिपार्चर के 4 घंटा पहले एक यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। उस बीच में दोस्तों आप यहाँ पे जो भी सीटें खाली हैं या दोस्तों जो भी ट्रेनें के यहाँ पे जो भी ट्रेनों में सीटें कैंसिल कराई गई हैं वो सीटें दोस्तों उपलब्ध रहती हैं, या दोस्तों किसी स्टेशन के बीच में कौन सी सीट खाली है, आमतौर पर आप सभी ये सभी सीटों की जानकारी IRCTC साइट पर देख सकते हैं और देख कर बुकिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें इसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा। आपको बता दें इसके लिए आपको स्लीपर क्लास जैसी सीटें कितनी खाली है, या दोस्तों कौन से स्लीपर क्लास में, कौन से S1 S2 में कौन से सीटें कहाँ से कहाँ तक खाली है, इसको लेकर दोस्तों आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए IRCTC में एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, चैट या वैकेंसी के रूप में नज़र आएगा, जो कि दोस्तों ट्रेन चलने के 4 घंटा पहले जो पहला चार्ट प्रिपेयर होगा उसके बाद यात्री अपना टिकट रद्द कराता है, तो ऐसे में आप सभी को ये टिकट जो है बुकिंग करने के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें बता दें रेलवे ने इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया है, यानी कि आप इस व्यवस्था के चलते आप कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, स्लीपर, AC, नॉन AC, जनरल, सभी चीज़ यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। जो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए दोस्तों IRCTC वेबसाइट पर जाना होगा, साथ ट्रेन सर्च पर जाना होगा। ट्रेन सर्च में बुक करने के बाद आप सभी को बुक योर टिकट का विकल्प दिखेगा। नीचे दाएं तरफ आपको बता दें चार्ट या वैकेंसी का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद जर्नी डिटेल डालने के बाद आप लोग ट्रेन का यहाँ पे नंबर डालेंगे और गेट चार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप दोस्तों गेट चार्ट पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने सभी चीज़ यहाँ पर आ जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर कौन कौन सी सीटें कौन कौन से क्लास में बुक है, जो कि दोस्तों पहला चार्ट प्रिपेयर होने के बाद यानी कि ट्रेन के डिपार्चर के 4 घंटा पहले आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो आप एक बार इस विकल्प को ज़रूर देखें अगर आप दिवाली होली में कभी भी दोस्तों काफ़ी यहाँ पे वेटिंग टिकट है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपका सीट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, इस तरीके से आपको सीट मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें सुविधा IRCTC साइट पर चालू है, कुछ यहाँ पर ट्रेनों में TT पास भी ये सुविधा है, साथ साथ कुछ स्टेशनों पर नहीं है। साथ ही बता दें हैंड हेल्ड टर्मिनल्स एक डिवाइस है, HHD डिवाइस, जिसमें ट्रेन में चलते हुए TT जो है सीट को अपडेट करते हैं और वो ऑटोमेटिक आपका सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। वो दोस्तों वेटिंग लिस्ट यात्री के लिए है, यहाँ पर आप नया बुकिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही अपडेट देनी थी, और नई अपडेट जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल सरकारी को सब्सक्राइब करें, इस तरह दोस्तों और रेल जुड़ी अपडेट पाने के लिए। जय हिंद और हैप्पी दिवाली, अपना ख्याल जरूर रखें।